1997 में समुन्दरों में एक रिसर्चर टीम अपने डिवाइस में अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड किया, जिसे इस बात का अनुमान लगाया गया कि ये फ्रीक्वेंसी किसी विशालकाय जीव का ही होगा जो कि ब्लू व्हेल से भी काफी बड़ा हो, और लोगों ने उसके द्वारा निकाले गए ब्लूप के आवाज के कारण उसे ब्लूप कहा। उसके बाद साइंटिस्ट लोग उनके आकार का अनुमान लगाने लगे, और ऐसी बात नहीं है कि ये घटना सिर्फ साइंटिस्ट लोगों से ही रिकॉर्ड की गई कि जब इस माइथोलॉजी में भी ऐसे खूनखार सी मॉन्स्टर का जिक्र है। जब भी समुद्रों के गहराई में रहने वाले खूनखार जीवों के बारे में जिक्र होता है तो मेगालोडॉन का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन मानो हर कोई ब्लूप को तो भूल ही जाता है, लेकिन समुंदर इतना गहरा है कि कुछ लोगों का मानना है कि समुंदर के गहराई में आज भी मेगालोडॉन से भी खूनखार जानवर मौजूद है। ऐसे में क्या होता अगर विशालकाय मेगालोडॉन का सामना खूनखार ब्लूप से हो जाता? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमें आज भी शार्क के ऐसे कई तस्वीरें देखने को मिलती है जो बेहद ही खूनखार होती है, जिसमें से ग्रेट व्हाइट शार्क से लेकर टू हैमर हेड शामिल है, लेकिन सबसे विशालकाय शार्क व्हेल शार्क को ही माना जाता है क्योंकि ये आकार में 10 मीटर से भी बड़ा होता है। इसके बाद भी इसे हार्मलेस शार्कों में माना जाता, यानी कि खतरनाक नहीं माना जाता। और वही मेगालोडॉन व्हेल शार्क से काफी विशाल तो थे ही, और इस बात से आप कभी ये उम्मीद न लगाए कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। 18 मीटर से ज्यादा बढ़ने वाले ये शार्क अपने स्फूर्ति और हमला के लिए माने जाते हैं। इसे अब तक के सबसे ज्यादा खूनखार जानवर कहा जा सकता है। हालांकि आज ये शार्क धरती पर मौजूद नहीं है, आज भी कई खोजकर्ताओं का ध्यान इस विशालकाय शार्क के ऊपर है क्योंकि इसके 18 मीटर से ज्यादा शरीर और 30 टन तक से लेके 60 टन तक का भारी शरीर किसी आश्चर्य से कम नहीं था, और इसी आकार और फुर्तीले स्वभाव के कारण पूरे समुन्दरों में अकेले डोमिनेट करने वाले जीव थे क्योंकि इसे हराने की साहस किसी भी जीव में मौजूद नहीं थी, जिसके कारण से ये फूड चेन के बिल्कुल ही ऊपर में थे। और इसे जो और खतरनाक बनाती थी वो है उनके 300 से ऊपर दांत। इसके नुकीले दांत से वो किसी भी चीज को चीर फार के रख सकते थे। कई खोजकर्ताओं का ये मानना है कि मेगालोडॉन का बाइट फोर्स 40,000 PSI तक का होता था, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि मेगालोडॉन का एक बाइट शिकार को आसान सा मौत दे सकता था। और ये बात रही अब तक की मेगालोडॉन की, पर जब बात ब्लूप की आती है, पहली बार इसकी आवाज को पॉइंट नीमो में सुना गया, जिसके बाद लोगों के बीच ये बातें होने लगी कि वो आवाज कथोलो की थी। अगर आप कथोलो के बारे में नहीं जानते तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ब्लूप को कथोलो के जैसे आकार वाले हम लोग मान लेते हैं, वैसे में इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती है कि गहरे समुन्दरों में इसका सामना कई जीवों से होता रहता था, पर इसका आकार बेशक मेगालोडॉन से तो काफी बड़ा होगा। ऐसे में ब्लूप ही ऐसा जीव होगा जो मेगालोडॉन के हमला बोलने से पहले ही हमला कर देगा, क्योंकि ब्लूप मेगालोडॉन से साइज में बड़ा है, साथ ही इसमें मेगालोडॉन से ज्यादा ताकत है। लेकिन रफ्तार में हो सकता है कि ब्लूप ज्यादा धीमा होगा, क्योंकि अक्सर जीवों में ऐसा देखा जाता है जो जीव आकार में जितना बड़े होते हैं वो उतना ही धीमे हो जाते हैं। यानी इस मुताबिक ब्लूप की रफ्तार मेगालोडॉन से धीमी हो सकती है। वही मेगालोडॉन की रफ्तार समुद्र के भीतर में 18 किलोमीटर पर घंटे की होती थी, यानी कि इस बात से तो ये तय होता है लगभग 200 फीट आकार के ब्लूप 60 फीट मेगालोडॉन का पीछा कभी नहीं कर पाएगा। फिर भी ब्लूप जैसे जीव मेगालोडॉन के जैसे खूनखार जीव को समुद्रों में देखेगा तब वो जरूर हमला करने के लिए मेगालोडॉन की तरफ बढ़ेगा। मेगालोडॉन भी इंटेलिजेंट होने के साथ साथ काफी गुस्से वाली और सेल्फ रिस्पेक्ट वाले जीव थे, इसलिए मेगालोडॉन भी पीछे नहीं हटेगा और ये समुन्दरों के और भी गहराई में जाके ब्लूप की तरफ जाने की और हमला करने की कोशिश करेगा, क्योंकि समुन्दर के गहराई में सूरज की किरण उतनी आसानी से पहुंच नहीं पाती, इसलिए इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती है कि मेगालोडॉन का सरप्राइज अटैक सफल होता। के साथ ही ब्लूप के अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी साउंड निकलने का इस बात का पता चलता है क्योंकि इसमें एकोलोकेशन की सुविधाएं पाई जाती थी, इसलिए ब्लूप मेगालोडॉन का पता आसानी से लगा लेगा।
पर मेगलोडॉन की रफ्तार को ब्लूप कभी भी बीट नहीं कर पाएगा। इसलिए मेगलोडॉन समुद्रों के गहराई में बड़ी ही तेज से ब्लूप की ओर बढ़ता जाएगा, और अगर ये ब्लूप के करीब पहुंच जाता है तो मेगलोडॉन ब्लूप के किसी नाजुक हिस्से में हमला कर देगा, और अगर ये हमला सफल भी हो जाता है तो इस बात के भी काफी संभावना है कि ब्लूप इस चोट को आसानी से सह लेगा। लेकिन इस 200 फीट दैत्य का प्लेट के बाहर करना शायद मेगलोडॉन को पसंद नहीं आएगा। हालांकि आज तक ब्लूप ने किसी को देखा तो नहीं है, पर इतने विशालकाय जीव का एक हमला भी मेगलोडॉन के लिए जानलेवा हो सकता है। पर बहुत सारे मेगलोडॉन अगर झुंड बना के और मिलकर ब्लूप पर हमला करते तब इसमें बेशक मेगलोडॉन का ही जीत होगी, अन्यथा ब्लू इस मुकाबले को आसानी से ही जीत जाएगा। इसके ऊपर आपके विचार हमें कमेंट पे जरूर लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।